गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिक्के जीत सर में। आज हैं 22 जनवरी और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं देखिए आज के अपडेट। बेटियों का स्कूल वाईफाई या हर कक्षा में स्मार्ट टीवी। सिरोही, शिक्षकों व भामाशाहों ने बदली तस्वीर। शिक्षक की कमी दूर करने के लिए निकाला रास्ता, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार। सब इंस्पेक्टर भर्ती के साक्षात्कार कल से। प्रथम चरण में 250 से ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। आरपीएससी, तारीख पर तारीख बन रही है विद्यालयों के लिए परेशानी का सबब। सरकारी विद्यालयों में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का मामला। कम बजट ने किया कोड में खाज का काम। पेपर लीक पर महिला ने सीएम को सुनाई खरी खरी। गहलोत एवं प्रदेश प्रभारी रंधावा चुपचाप सुनते रहे। योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचने से कांग्रेस मजबूत हुई, गहलोत। कालीबाई भील एवं देवनारायण स्कूटी योजना की आवेदन तिथि बढ़ाई। 31 जनवरी तक पोर्टलों खोला गया है। रिट भर्ती परीक्षा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शामिल करने के कोर्ट ने दिए आदेश। हाई पॉइंट फार्मूले से दूर हो सकता है शिक्षक तबादलों का संकट। चुनावी साल में नई शिक्षक भर्ती के भंवर में फंसी है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती। पत्रिका एक्सपर्ट्स से बात कर निकाला तबादलों का समाधान। सहायक कमांडेंट के 71 पदों पर मांगे आवेदन। भारतीय तटरक्षक में निकली भर्ती। यूजीसी नेट पंजीकरण करने की अंतिम तिथि बढ़ी, 23 जनवरी अंतिम तिथि। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। सीएम ने कर्मचारियों के प्रमोशन की बाधाएँ दूर करने कमेटी बनाई। 7.5 लाख को होगा फायदा। 11,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मल्टी टेस्टिंग स्टाफ और हवलदार भर्ती के लिए नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। सीआरपीएफ में एएसआई हेड कांस्टेबल पदों पर बम्पर भर्ती। एलआईसी ने ग्रेजुएट्स के लिए निकाली भर्ती। 15 जनवरी से शुरू होंगे और 31 जनवरी 2023 अंतिम तिथि है। आप यहां पर देख सकते हैं आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क। बोर्ड परीक्षाएं सिर पर, 40,000 पद रिक्त। परीक्षा की पूर्व तैयारी के लिए माइक्रो लर्निंग पैकेज। 8वीं 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कराई सामग्री। हिंदी अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए पैकेज। 19 फरवरी को होगी सीएचए भर्ती परीक्षा। रिटर्न टेस्ट के बाद मेरिट के आधार पर होगा सिलेक्शन। 25,000 मिलेगी सैलरी। शिक्षा विभाग पदोन्नति के एक महीने बाद भी 4317 सेकेंड ग्रेड शिक्षकों को पोस्टिंग नहीं। स्कूलों में 20,475 पद खाली। मार्किंग स्कीम फाउंडेशन के हर पेपर में हासिल करने होंगे 50% अंक। सीए कोर्स में स्टूडेंट्स की एंट्री अब होगी और भी मुश्किल। एग्जिटिव होगा आसान, छात्रों को पता लगेगा उसकी योग्यता का। रेलवे भर्ती दौड़ संपन्न। 6 दिनों में 12,216 अभ्यर्थी दौड़ व 8,129 सफल हुए। दो सेकंड ग्रेड की शिक्षक लगाई एपीओ, टीचर को भी वापस लगाया। धरना खत्म। टीचर मांगने कालासर से पैदल निकले स्टूडेंट्स के सामने बद्रासर पहुंचे शिक्षा अधिकारी। जेई मेन 2023 परीक्षा 24 से हर पेपर के लिए अलग एडमिट कार्ड। कोटा में 4 सेंटर पर 2 पारियों में परीक्षा। बारकोड से मिलेगी लेब की जानकारी। जिले भर के 520 सरकारी विद्यालयों में व्याख्याताओं के 260 पद रिक्त। बाधित हो रही है विद्यार्थियों की पढ़ाई। निजी शिक्षण संस्थाओं के नियामक बोर्ड विल से चेयरपर्सन की उम्र सीमा ही हटा दी।
इसी सत्र में विधानसभा में पेश होना है बिल। 70 वर्ष थी उम्र सीमा। स्कूल के विकास कोष में रसीद कटवाने के बाद ही मिलेगा उपस्थिति का प्रमाण पत्र। सरकारी स्कूलों में सर्टिफिकेट की सौदेबाजी, इंटर्नशिप के लिए आओ या नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, आज का अच्छा सुविचार, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की अपडेट समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।